कि रुबीना घमंडी है, नो वो ऐसी नहीं है भाई, आपने सौम्या को देखा है अब तक बिचारी, बट रुबीना बिचारी नहीं है बॉस। रुबीना के अलावा अगर मुझे कोई पसंद आ है उस शो में एज अ कंटेस्टेंट, तो अभी फिलहाल समवेयर राहुल इज ऑल्सो नाइस। जैस्मिन ने इसमें थोड़ा ओवर रिएक्ट किया है, जैसे रुबीना भी बिग बॉस हाउस में दिख भी रही है वो वैसी ही है। जैस्मिन का पेयर भी मैं अगर कहूँ तो तो वो है 6-7 महीने बाद बिग बॉस, तो बिग बॉस पर आते हैं। बिग बॉस सीजन 14 में आपकी जो एक्स मतलब को-स्टार थी रुबीना, वो शो में दिख रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप रुबीना के बारे में? लेकिन उससे पहले, लेकिन आपका कोई फेवरेट एक्सेप्ट रुबीना? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगी कि लॉकडाउन बोरिंग नहीं था। लॉकडाउन में भी बहुत चीज़ें हुई हैं, बट ठीक है, ऑफकोर्स उसके बाद ये बिग बॉस आया है और मेरी एक्स को स्टार रुबीना है उसमें। रुबीना के अलावा अगर मुझे कोई पसंद आ है उस शो में एज अ कंटेस्टेंट, तो अभी फ़िलहाल मुझे जैस्मिन भी अच्छी लग रही है। एंड अभी मैंने रिसेंटली भी एक कल का एपिसोड की अगर हम बात करें या परसों के एपिसोड की बात करें, तो उसमें राहुल और जैस्मिन का कुछ तो पंगा हुआ। सो दैट पंगा में आई रियलाइज कि राहुल इज़ आल्सो वेरी सॉर्टेड एंड सिंपल पर्सनालिटी। कुछ चीज़ों में वो गलत थे, वो एक्सेप्ट की उन्होंने, बट इस पंगे में आई थिंक कि शायद जैस्मिन थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई। सो बट या, जैस्मिन मुझे पसंद है, बट अब समवेयर राहुल इज़ आल्सो नाइस। या मैंने उनका भी पढ़ा था स्टेटस, और मैंने बोला ना आपको कि जिसने भी वो एक पर्टिकुलर एपिसोड देखा है और बाहर बैठी ऑडियंस को जो दिखाया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबको यही लग रहा है कि जैस्मिन ने इसमें थोड़ा ओवर रिएक्ट किया है। नो डाउट इसमें ओवर रिएक्ट किया है, और राहुल कहीं ना कहीं सही भी थे इस चीज़ में। सो ऑफकोर्स काम्या का तो आप सबको पता ही है कि वो बहुत ही बोल्डली अपने स्टेटमेंट रख देती हैं सामने, और जो उन्हें सही लगता है वो बोलती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता भी है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना वुमेन पावर, और ये इस बात को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसी रियल में ऐसी ही है रुबीना? वेल, मैं ये कहना चाहूँगी कि रुबीना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, नो डाउट। हाँ, पर सौम्या, आपने एज अ सौम्या उन्हें देखा है, एंड ऑफ कैमरा अगर मस्ती कुछ देखी होगी रुबीना की, तो आप भी वो डिफरेंस पता लगा सकते होंगे सौम्या और रुबीना के बीच में। एंड जैसे रुबीना भी बिग बॉस हाउस में दिख भी रही हैं वो वैसी ही हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं वो बहुत ही ओवर एक्सप्रेसिव भी होती हैं चीज़ों को लेकर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई बिलीव, क्योंकि हम मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम इतने खोए रहते हैं अपनी चीज़ों में और अपनी वर्ल्ड में कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देती हैं उन चीज़ों को। तो ऑफकोर्स बिग बॉस हाउस में वो जो कर रही हैं वो है, वो वैसी हैं, बट जो जब वो समटाइम लाउड हो जाती हैं, तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि ये ओके, इतना लाउड या इतना मतलब मैं कहूँगी पॉइंट ऑफ व्यू वो अपना बहुत करेक्टली रखती हैं, बट इतना लाउड मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है जितना मैं अभी इसमें देख रही हूँ शो में। यार अगर हम शो के स्क्रिप्ट के बारे में बात करें या शो के पैटर्न के बारे में बात करें, तो रुबीना सही खेल रही है फिलहाल, क्योंकि शो में दिखना बहुत ज़रूरी है, और दिखने के लिए आप जो पैंतरे आजमा सकते हो वो आजमाओ, और रुबीना उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं। और जहाँ तक बात अभिनव की जाए, तो अभिनव रियल लाइफ में भी ऐसी हैं, मैच्योर, शांत, ज़्यादा किसी के पचड़े में पड़ने वाले नहीं काइंड ऑफ पर्सन, और वो वहाँ भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। सो बट या हस्बैंड वाइफ जोड़ी है, एक बहुत लाउड हो जाती है तो दूसरा सेटल डाउन करने के लिए वहाँ पर है। सो दिखाई तो दोनों अच्छे से दे रहे हैं, दोनों गेम अच्छा खेल रहे हैं अपना, बट येस समवेयर मे बी लोगों को लग रहा होगा कि अभिनव इज़ नॉट दैट मच यू नो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर और समथिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज समटाइम अब जैसे अगर हम ये भी बात की जाए, हर तरह का पर्सनैलिटी आपको शो में दिखती है। सो जहाँ आपको लाउड पर्सनैलिटीज़ दिखेंगी, जहाँ आपको ओवर पर्सनैलिटीज़ दिखेंगी, वहाँ आपको ऐसी साइलेंट पर्सनैलिटीज़ भी दिखती हैं जो ऑडियंस इन्जॉय करती है। सो आई थिंक दोनों प्ले अच्छा कर रहे हैं शो के हिसाब से। चीज़ और हुई हाल ही में,
सलमान खान को रूबीना ने, मतलब आई थिंक पहली बार बिग बॉस के 13-14 कंटेस्टेंट सीजन में ऐसा हुआ हो कि किसी ने सलमान खान को लिटरली चैलेंज किया, ये कहा कि उन्होंने उन पर गलत रिमार्क्स पास किए, तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर आपने वो फॉलो किया, क्या रूबीना वहाँ पर सही थी और किसकी वहाँ पर क्या गलत? यार मैंने वो भी देखा था एक्चुअली, और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े थे जो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स भी रहे थे उस पुराने एपिसोड्स के सीजन्स के, बट समवेयर जहां आप जानते हैं सलमान के बारे में, तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि वो मजाक में या कुछ भी बातों बातों में भी चीज़ें बोल देते हैं बातों बातों में चीज़ें बोल देते हैं जो मे भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को नहीं भी अच्छी लगती होगी, बट या वो सीनियर उसमें आते हैं, एक इस स्टेटस में आते हैं वर्क वाइज एंड एक्सपीरियंस वाइज, तो रिप्लाई बैक तो कोई कर नहीं सकता है, और रूबीना ने उस चीज़ के लिए रिप्लाई बैक किया है क्योंकि उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई थी, विच इज़ क्वाइट ऑफेंसिव ऑल्सो, अगर कोई उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद उसे भी वही चीज़ लगती, बट बोलते नहीं बहुत सारे लोग क्योंकि वो उनके स्टेटस और उनके एक्सपीरियंस के सामने चुप हो जाते। सो रूबीना ने वो चीज़ कही और जिसका उन्होंने जवाब भी लिया अच्छे से फिलहाल एपिसोड में। यार फेक का तो अच्छा ओके निकी तंबोली, आई थिंक, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक हर, अब मैं फेक नहीं कहूँगी बट आई डोंट लाइक हर, आई डोंट नो, सबसे क्यूट रूबीना, सबसे गुड लुकिंग लड़का शो अभिनव, सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला, मतलब जानबूझकर झगड़ा करने वाला, आई थिंक पवित्रा, शायद पवित्रा एंड निकी का ही नाम लूंगी उसमें भी मैं, और अभी एक और नया कंटेस्टेंट भी आई हैं कविता, वो भी बहुत मे बी शायद अप फ्रंट में रहने के लिए और शायद अभी अब उन्होंने ज्वाइन किया है और सबको सबके साथ दिखने के लिए वो भी बहुत कोशिश कर रही हैं दिखने की। अगर कोई जोड़ी होगी बिग बॉस हाउस में तो किसकी जोड़ी आप देखना पसंद करेंगे? कोई जोड़ी होगी, फिलहाल तो जोड़ी है नहीं, वो आई डोंट थिंक सो किसी की जोड़ी ऐसी होगी क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं देखने के लिए, मतलब पवित्रा और एजाज का मुझे लग रहा था कि शायद ये जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ना कुछ एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मैच ही नहीं हो रहा है दोनों का कुछ, बहुत ही अपोजिट पोल्स अपार्ट पर्सनैलिटीज़ हैं वो, तो ऐसी इस सीज़न में फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई जोड़ी या ऐसा कोई पेयर दिख नहीं रहा कि जो अच्छा लगे या फिर जो लगे, जैसे सिडनास की जोड़ी थी लास्ट सीज़न में वो बहुत ही हिट हुई थी, जैसे अब ऐसे जोड़ी बात की बात नहीं कहूँगी बट लास्ट टू लास्ट एक उसकी थी भाभी जी घर पे हैं जो शिल्पा एंड विकास, उनका वो खटमीठा वाला वो, पर वो जोड़ी बहुत अच्छी थी, खटमीठी रहती थी बट उनमें बहुत ज़्यादा, बट ऐसे इस सीज़न में ऐसा कुछ ऐसा कोई दिख नहीं रहा फिलहाल। फिलहाल तो रूबीना बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस टाइम पर, और उसके अलावा अगर कोई जीत सकता है तो या शो का पैटर्न का आपको कुछ पता ही नहीं है, पता है कुछ भी हो जाता है कभी भी, तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो 99.9% यही चांसेस है कि रूबीना जीतेगी, बट 0.1% अगर कोई चांस हो सकता है तो जो इससे ज़्यादा यू नो ज़बरदस्ती दिखने की कोशिश करेगा वो जीत जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी रोशनी से, जैसे कि आपने कविता के बारे में बात किया, तो कविता ने आते ही अगर पहला ही किसी से पंगा लिया है कह सकते हैं या किसी के ऊपर वो टूटी है तो वो रूबीना है, मतलब कल के एपिसोड में भी हमने देखा कि वो उनको फ्रूट्स काटने का ऑर्डर दे रही थी जो कि रूबीना को पसंद नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के झगड़े के बारे में? और यार मैंने आपको बताया ना कि मे बी शायद रूबीना इतनी फ्रीक्वेंट फॉलोअर या व्यूअर नहीं थी बिग बॉस की, तो उन्हें पैटर्न भी नहीं पता है बिग बॉस का, और कविता काफ़ी फ्रीक्वेंट फॉलोअर रही हैं बिग बॉस की, एंड सो कविता नोज कि हाउस में टिके रहने के लिए और दिखने के लिए क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो उन्हें अपनाने हैं जिससे वो दिखें और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा दिखें, तो वो कर रही हैं, एंड ऑफकोर्स रूबीना को जब होस्ट की बात बुरी लगी और उसका कन्फ्रंट उन्होंने किया, तो फिर आई थिंक कविता की बात का बुरा तो लगना बहुत ही जायज़ है उनके लिए। जैस्मिन का पेयर भी मैं अगर कहूँ तो आई डोंट थिंक सो किसी के साथ बन सकता है ना। रूबीना की अगर बात करें हम रोशनी, तो रूबीना के बारे में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो मतलब
स्क्रीन पे दिख रही हैं या मिस मतलब मिसकंसीव हो रही हैं, और मतलब क्योंकि आप उन्हें इतना क्लोजली जानती हैं तो उनके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें कि वो कैसी हैं रियल में, और क्या है जो मिसकंसीव हो रहा है लोगों के बीच में. यार रुबीना की सीक्रेट्स, रुबीना के सीक्रेट्स ऐसे कोई है नहीं, वो बहुत ही क्लियर है अपने थॉट्स और माइंड और एक्शंस को लेकर, और वो वहाँ पर भी वैसी ही दिख रही हैं फिलहाल. अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लगती है और वो किसी की भी हो, होस्ट की हो या किसी कंटेस्टेंट्स की हो, वो बोल देती हैं उस चीज़ को, और यही वो शो में कर भी रही हैं. और शायद यही चीज़ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में हैं, हर चीज़ के लिए कंप्लेन करती हैं या हर चीज़ के लिए बोलती हैं ये सही नहीं, ये गलत, ये गलत, ये सही, ऐसे बहुत कर रही हैं. जो शायद रुबीना को गलती रुबीना की भी नहीं है क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया है सीज़न, तो शो ही ऐसा है. यहाँ पर आपको उस सिचुएशन में डाला जाएगा बार बार जहाँ पर आपको उससे सर्वाइव करके बाहर आना पड़ेगा. अब आप उस रुबीना सर्वाइव करके बाहर आ रही हैं, बट वो उसके साथ साथ बोल भी रही हैं कि हाँ ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ आप सही कर रहे हो, काइंड ऑफ. तो शायद वो लोगों को कहीं ना कहीं मिसकंसीव कर रहा है कि ये कंप्लेन ज़्यादा कर रही हैं शायद. एक चीज़ जो उन्हें करनी चाहिए और एक चीज़ जो उन्हें नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से, तो वो क्या होगा? मेरे हिसाब से सोचो, आई मीन लाइक जैसे जो मना कर रही है शो में जाने के लिए उसके हिसाब से शो में क्या करना चाहिए क्या नहीं. ओके नहीं यार, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा कर रही हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए. वो बहुत अच्छा खेल रही हैं. एक तो वो पहले रिजेक्टेड कंटेस्टेंट थी, वो रिजेक्टेड कंटेस्टेंट से मेन कंटेस्टेंट बनने तक का सफ़र उन्होंने बहुत अच्छे से तय किया. बहुत स्ट्रांगली वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं इतने सारे लोगों के बीच में, और बहुत सारे लोगों को लग भी रहा है कि शायद इस सीज़न की विनर वो हो सकती हैं. तो मे बी क्या, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा खेल रही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है. और मुझे नहीं लगता अपनी बात रखना या आपको कोई चीज़ बुरी लगी किसी चीज़ को लेकर, उसे वो बोलना, चाहे वो होस्ट हो शो का या कोई और हो, गलत है. आई डोंट थिंक सो. सो आई थिंक वो बहुत अच्छा खेल रही है फिलहाल. कहीं ना कहीं रोशनी ये बात भी लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि रुबीना ऑलरेडी फेमस है और क्योंकि रुबीना टीवी की इतनी बड़ी एक्ट्रेस है तो उन्हें मतलब लोगों से हमने ये सुना है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा घमंड है या काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब ये है कि वो उनको कुछ नहीं होने वाला. तो क्या लगता है आपको, क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो बिग बॉस के हर सीज़न में टेलीविज़न की एक एक्ट्रेस ज़रूर होती है, हर सीज़न में होती है, एंड और मोस्ट ऑफ द टाइम वही विनर भी होती हैं शो की. बट दैट डजंट मीन कि हाँ उस चीज़ का उन्हें घमंड है. नहीं भाई, उन्होंने अपने आप को वैसे प्रेजेंट किया है. आप लोगों ने अब तक फ़िलहाल हम लड़कियों को या हम एक्ट्रेसेस को रोते धोते और वही बिलखते हुए और ऐसे ही देखा है बेचारी से बनते हुए, बट वी आर नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ. वी कैन यू नो फाइट बैक, वी कैन से थिंग्स टू अदर्स ऑल्सो. सो वही हम कर रहे हैं. और शायद टेलीविज़न का मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है टेलीविज़न ऑडियंस का कि वो कैरेक्टर को ही रियल समझने लगते हैं. वो कैरेक्टर से प्यार करते हैं, वो एक्टर से प्यार नहीं करते हैं, वो कैरेक्टर से प्यार करते हैं. सो प्रॉब्लम इज़ दैट ओनली. तो वहाँ जब वो जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, जब वो एक्टर, जब वो इंसान कोई और ऐसा रोल करता है या जब वो अपना रियल चेहरा दिखाता है सबको, तो अडेप्ट नहीं कर पाती है ऑडियंस. तो मे बी शायद ये एक मैं कहूँगी कि ऑडियंस में है चीज़ की. तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि रुबीना घमंडी है. नो, वो ऐसी नहीं है भाई. आपने सौम्या को देखा है अब तक बिचारी, बट रुबीना बिचारी नहीं है. बस लास्टली अगर आपका अगर कोई मैसेज जैसे कि कहें कि अगर आप देना चाहें रुबीना को, क्या? अरे रुबीना को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, यू आर डूइंग ग्रेट. यू आर डूइंग ग्रेट बेब्स, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो और किसी की मत सुनो. तुम्हें जो नहीं पसंद आ रहा है बोलो, चाहे वो कोई भी हो. आई एम विद यू एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे सर्कल के सब लोग तुम्हें वोट करें और तुम ही जीतो, एंड वी नो दैट. लव यू.